दोस्तों मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है भारत और इंग्लैंड टीम के बीच में T20 मुकाबले का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला शुरू होने से पहले 95% बारिश बताया जा रहा है। इसी कंडीशन को देखते हुए कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी प्लेइंग 11 में जबरदस्त तरीके से बदलाव करते हुए आखिरकार 11 खिलाड़ियों को फाइनल प्लेइंग 11 के लिए सेलेक्ट कर चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बता देते हैं कौन सा टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला आखिरकार जीत जाएगा। और फाइनली पानी का कंडीशन, अगर यहाँ बारिश का कंडीशन हो चुका है तो दोस्तों दोनों टीमों के बीच में DLSM मेथड लागू किया जाएगा। दोस्तों मैच खत्म होने के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने इंग्लैंड की टीम को चैलेंज देते हुए अपने बयान में कुछ अनसुनी बयान कर डाली, जिसे देखकर और जिसे सुनकर पूरे इंग्लैंड क्रिकेट फैंस का गुस्सा सोशल मीडिया पर फूट पड़ा है। दोस्तों विदाउट एनी डिले करते हैं वीडियो की शुरुआत, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब से हमें मोटिवेशन मिलता है और सब्सक्राइब करने से आपका कुछ नहीं जाता। भारतीय टीम की ओपनिंग जोड़ी में रोहित शर्मा के साथ विराट कोहली बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे और 3 नंबर के बल्लेबाजी पर ऋषभ पंत खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देंगे। ऑलराउंडर की रोल निभाते हुए हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे हमें इंग्लैंड के खिलाफ T20 वर्ल्ड कप 2024 के दूसरे सेमीफाइनल में दिखाई देने वाले हैं। कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा स्पिन की भूमिका निभाते हुए हमें दिखाई देने वाले हैं। आखिरकार भारतीय टीम की खतरनाक बैंदबाजी की बात किया जाए तो जसप्रीत बुमराह के साथ अक्षदीप सिंह, मुकेश कुमार भी गेंदबाजी करते हुए फाइनल के दूसरे सेमीफाइनल में दिखाई देने वाले हैं। वैसे दोस्तों आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप 2024 का दूसरा सेमीफाइनल जीतने में कामयाब हो पाएंगे या फिर नहीं।